हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, सो आज टुडे आई विल बी शोइंग यू गाइस सम ऑफ माय नायका हॉल। ठीक है, नायका से मैंने कुछ मेकअप, स्किन केयर, बॉडी केयर परचेस की हूँ, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। ऑल्सो अभी समर टाइम चल रहा है तो समर मस्ट हैव भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, आई शेडो, आई लाइनर, मस्कारा, सबके बारे में हम लोग बात करने वाले। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका, एक एक चीज मैं आपको इन डिटेल दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने परचेस किया है वेट वाइप्स फ्रॉम नायका। ठीक है, ये स्विस ब्यूटी का वेट वाइप्स आ जाता है, विच इज लाइक मॉइस्चराइजिंग वेट वाइप्स है, जो बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। ऑल्सो आई गॉट इट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। आप इसको यूज कर सकते हो अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, या फिर अभी इतनी गर्मी चालू है, आप कहीं बाहर हो तो आप यू नो यूज कर सकते हो अपना लिपस्टिक रिमूव करने, कुछ भी यू नो लाइक टिश्यू पेपर की जगह। इट इज जस्ट वेट, तो ये मुझे ज्यादा यूजफुल लगा है। इजीली मैं वाटरप्रूफ मेकअप भी आराम से निकाल सकती हूँ, तो दिस इज अ ट्रैवल मस्ट हैव अकॉर्डिंग टू मी। एक परचेस करते हो यू विल गेट दिस फॉर 85 रुपीज। अभी नायका पे सेल चालू है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप। सो दिस वॉज माई फर्स्ट परचेस। आई गॉट लिप एंड चिक टेन। अभी समर्स चालू है तो समर्स में आप कुछ भी मेकअप लगाओ जल्दी से निकल जाएगा, बट दिस एड्यूड हाउस का लिप टिंट है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आ जाता है। आई हैव मोर अफोर्डेबल लिप टिंट्स, आप जो चाहे यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू वन बाय वन। सबसे पहले ये वाला लिप टिंट आ जाता है, मैंने रिसेंट अपने मेकअप शॉट वीडियो में इसको यूज करके दिखाई हूँ। ये आप एक बार लगा लो, ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बट एक चीज इसमें प्रॉब्लम है, आप जैसे ही लगाते हो ऑन द स्पॉट आपको इसको ब्लेंड करना होता है, ये पूरा लिक्विड आ जाता है। ठीक है, दिस इज अ लिप एंड चिक टिंट, ये पूरा पूरा दिन आपके फेस पे रहेगा। इट लुक्स वेरी नेचुरल, बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है। ऑल्सो ये बेनेटिंट का ड्यूप है, आई हैव बेनेटिंट बट दैट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो। यही नहीं, हम लोग कुछ ब्रांड्स बॉयकॉट कर रहे हैं, सो बेनेटिंट इज समथिंग दैट वी आर बॉयकॉटिंग, एंड दिस इज मोर अफोर्डेबल एंड दिस इज नॉट फ्रॉम द बॉयकॉटेड लिस्ट। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस वन। ठीक है, ये डियर, ये भी एड्यूड का ही डियर डार्लिंग टिंट है, बट ये एक रेडिश अंडरटोन का है। ये जो मैंने आपको दिखाई हूँ इसमें तीन वेरियंट्स आते हैं, दिस वन इज स्ट्रॉबेरी, नेक्स्ट आई हैव दिस रेड सॉर्ट ऑफ है, ये एकदम रेड शेड जैसे आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ये लगाने के बाद में ना एकदम रेडिश रेडिश वाला एक लुक देता है। सो आप इसको वेट वाइप से बाद में वेट या फिर कोई भी टिश्यू से आप इसको रिमूव कर दोगे तो इसका स्टेन पूरा दिन रुकेगा। आप इसको आईज पे यूज कर सकते हो, चीक्स पे यूज कर सकते हो, इट रियली लुक्स नाइस, और समर में ये पूरा पूरा दिन रुकेगा। यू डोंट हैव टू रीअप्लाई योर लिपस्टिक और समथिंग, बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है। आई लाइक बोथ ऑफ इट, दोनों भी अफोर्डेबल है। लास्टली आई हैव द मोस्ट अफोर्डेबल लिप एंड चिक टिंट, दिस वन आई गॉट ओनली फॉर ₹100। ठीक है, बहुत अच्छी है, इनसाइड कॉस्मेटिक का आ जाता है, इट ब्लेंड्स लाइक बटर, देख सकते हो एकदम बटर जैसा लगता है ये। दिस इज इन द शेड 05 स्ट्रॉबेरी समर, इट इज वेरी वेरी नाइस यू गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सुपर सुपर पिगमेंटेड है, देख सकते हो, बट ये उतना लाइक ये ट्रांसफर होगा। अभी जो दूसरे दो मैंने आपको लिप टिंट दिखाई हो ना, वो ट्रांसफर नहीं होगा, आप कितना भी पोछो रगड़ो वो नहीं निकलेगा, बट ये अगर आप निकालना चाहो, ठीक है, इजीली आप ऐसा वाइप करोगे तो ये निकल जाएगा। सो कीप दैट थिंग इन माइंड, अदर देन दैट इट इज रियली नाइस, आई वुड हाईली रिकमेंड, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे इतने कम प्राइस में, और क्या ही चाहिए। यू गाइस कैन सी, साइड में वीडियो लगा दूंगी यूज करने के बाद में, दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन माय स्किन, मेरी स्किन टोन पे ये कुछ ऐसा लग रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड। समर सीजन इज हियर एंड समर्स में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, यहाँ पे तो 40 डिग्री चालू है, सो आई गॉट दिस अंडर आर्म रोलर, ये समर्स में ही नहीं आपको हमेशा यूज करना चाहिए। दिस इज फ्रॉम केमिस्ट प्ले, केमिस्ट प्ले का आ जाता है, ये अंडर आर्म रोल ऑन है, इसमें 5% AHA है। इससे क्या होता है पता है आपको, ये बस अपने अंडर आर्म्स में नहाने के बाद आप ये यूज कर सकते हो, आपके अंडर आर्म्स में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, इवन इफ यू स्वेट तो उतना ज्यादा स्मेल नहीं आएगा। ऑल्सो इसकी जो फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इट विल एक्चुअली आपके जो बॉडी से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, एंड आई लाइक दिस। इससे आपका जो अंडर आर्म्स का जो कलर टोन है, मतलब डार्क अंडर आर्म्स, दिस विल हेल्प यू फेड योर डार्क अंडर आर्म्स, इट इज वेरी इफेक्टिव, सो आई वुड हाईली रिकमेंड, ये मैं भी यूज करती हूँ समर्स में हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ये तो ले ही। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समर्स में जो बॉडी ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, तो आई हैव मोर थिंग्स फॉर यू गाइज, ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी हूँ। दिस इज फ्रॉम प्लम, आने के बाद में जब आप अंडरआर्म रोलर यूज करोगे तभी आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये एक्चुअली एकदम वेनिला जैसा
हाँ एकदम वेनीला जैसा स्मेल करता है, ऐसा लगता है खुद को ही खा जाओ, इतना ज़्यादा डिलीशियस आप खुद को स्मेल करोगे। ये मैंने देख सकते हो पूरा ख़त्म कर दी हूँ, नीचे देख सकते हो इतना ही अभी बाकी रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने पूरा फिनिश कर चुकी हूँ। और मैंने एक और ऑर्डर की हूँ, बिकॉज समर्स में समर विदाउट दिस इज नॉट हैपनिंग इन माई केस, मेरे लिए तो ये समर मस्ट हैव है। आप ऐसा बॉडी मिस्ट यूज करो नहाने के बाद में, पूरा पूरा दिन आपके बॉडी से ना ऐसा बैड स्मेल का इशू खत्म हो जाएगा, यू विल स्मेल गुड और बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल भी लगता है। इवन इफ यू आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस फिर भी इसको यूज करना, यू गाइस कैन फील द डिफरेंस, आपको खुद ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा ये लगाने के बाद। वो परफ्यूम जो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज कर सकते हो, वन इज दिस वन, ठीक है, ये स्वीट सोर का आ जाता है। आई डोंट रिमेम्बर, मैंने इसको वेबसाइट से ली थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये हमेशा मैं अपने बैग में कैरी करती हूँ, यूज करने के बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। देख सकते हो ये एकदम वेनिला की स्मेल आती है, मुझे ना ऐसा जो डिलीशियस फूड की जो स्मेल होती है ना, मुझे ये सारे कप केक्स वाले स्मेल बहुत पसंद है, सो आई गॉट दिस वन। इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है, टाइनी सा आ जाता है तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है, तो या इट एक्चुअली फील्स लाइक स्ट्रॉबेरी कपकेक वेनिला, तो डू चेक दिस आउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन, ठीक है, बॉडी सनस्क्रीन फेस सनस्क्रीन सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये आ जाता है सन स्कूप का बॉडी सनस्क्रीन, आप इसको फेस पे भी यूज कर सकते हो, बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपको बस आपके फेस पे ना ऐसे स्प्रे कर देना है, देख सकते हो बस आपको ऐसे स्प्रे कर देना है एंड दैट्स इट, एकदम ऐसा मिल्की सा टेक्सचर आ जाता है, देन जस्ट ब्लेंड इट, ठीक है, बिल्कुल भी कोई वाइट कास्ट वगैरह नहीं देता है ये, एक अलग सा शाइन आ जाता है फॉर सम टाइम, वो शाइन भी थोड़ा टाइम बाद निकल जाता है, इट्स रियली नाइस। ये SPF 60 दे देता है, UVA UVB है, कोई वाइट कास्ट नहीं है, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। आप फेस पे बॉडी पे इसको आराम से यूज कर सकते हो, ऑल्सो मैं अपनी ये बेटी पे भी यूज करती हूँ, अपने हस्बैंड पे भी यूज करती हूँ, ट्रैवल के लिए मस्ट हैव है, आपको बस अपने बैग में रख देना है कभी भी, बहुत अभी तो बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो मैं क्या करती हूँ अपने बॉडी पे आराम से पूरा लगा देती हूँ। बाकी जो धूप होती है वो हमारे स्किन के लिए अच्छी होती है, बट 12 PM टू जो 4 PM तक का जो धूप होता है उसमें आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, बॉडी और फेस पे दोनों पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव फेस सनस्क्रीन, ठीक है, ये आ जाता है सन स्कूप का, दिस इज लिटिल एक्सपेंसिव, ये 400-500 रुपीज का आ जाता है, SPF 40 है और ये इनविजिबल सनस्क्रीन है, साइड में मैं लगा के दिखा रही हूँ, प्राइमर जैसा लगता है, एकदम ही जेली टेक्सचर आ जाता है इसका, और इसकी पैकेज भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, देख सकते हो इट रियली लुक्स लाइक कि हाँ ये सनस्क्रीन एकदम येलो, मुझे अच्छा लगा लगाने के बाद में, ऐसा लगता ही नहीं आपने कुछ लगाया है। ऑल्सो दिस इज वाटर एंड स्वेट रेसिस्टेंट, इसको लगाने के बाद में अगर आप नहाते हो, यू आर गोइंग फॉर अ स्विमिंग, या फिर आपको स्वेटिंग हो रही है तो भी ये नहीं जाएगा, सनस्क्रीन ये आपको प्रोटेक्शन देगा। आई हैव डॉट इन की का सनस्क्रीन, दिस वन इज बेस्ट फॉर ड्राई स्किन, ड्राई टू मीडियम स्किन टाइप के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एंड इसका भी एकदम मिल्की टेक्सचर आ जाता है, साइड में मैं वीडियो लगा दूंगी यूज करते वक्त। इसमें है SPF 50 PA++++, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, ये वाटरमेलन वेरियंट में आ जाता है, इसमें फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको फ्रेग्रेंस का टेंशन नहीं लेना है, आप जैसे इसको ब्लेंड करोगे ना आपका स्किन एकदम ग्लोई हो जाएगा, कोई वाइट कास्ट नहीं देता है। ऑल्सो दिस इज अफोर्डेबल देन द सनस्कूप वन, सनस्कूप का जो है ये प्राइमर जैसा वर्क करता है, एंड दिस इज लाइक अ मॉइस्चराइजर, इसको लगाने के बाद में आपको कोई अलग से मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, इफ यू डोंट वॉन्ट टू यू कैन स्किप मॉइस्चराइजर, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग लगा है मुझे। नेक्स्ट आई हैव अ वेरी टाइनी प्रोडक्ट, बट दिस इज अ मस्ट हैव इन योर बैग, आप हमेशा ऐसे जो ट्रायंगल पिज्जा पफ है हमेशा आपके साथ में कैरी करना, बेसिकली ये आप बेक करने के लिए यूज होता है अंडर आइस में वगैरह, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आ जाता है। दिस इज फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी, मैंने नायका से परचेस की थी, इसका सस्ता वाला वेरियंट भी आता है, थोड़ा छोटा वाला आता है, तो उसका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये आप बैग में इजिली कैरी कर सकते हो ड्यूरिंग समर्स, जब आपको स्वेटिंग होती है, इंस्टेड ऑफ हैंड कर्चिप वगैरह यूज करने से अच्छा आपको जहां पे भी स्वेट हो रहा है आप बस ऐसे ऐसे करोगे ना, तो पूरा आपका स्वेट और मेकअप जो कि मेल्ट हो रहा है वो इस पे लग जाएगा,
देख सकते हो, इसमें पूरा लग जाएगा एंड टचअप करने के लिए बेटर होता है। इंस्टेड ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आई वुड रिकमेंड आप ये कैरी करो, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है एंड इट एक्चुअली फील्स गुड, ऐसा लगता है अपने कोई हैंडकरचीफ यूज कर रहे हो। मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा है, दिस इज अ समर मस्ट हैव अकॉर्डिंग टू आई हैव अ सेरामाइड मॉइस्चराइजर, दिस वन इज फ्रॉम डॉट एंड की। रिसेंटली मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था, अ गर्ल एज 17 ईयर की एक लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा कमेंट करके पूछा था कि सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर ये सारी चीजें दिखाओ, तो स्पेशली उसी लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो या दिस इज हाउ द मॉइस्चराइजर लुक्स लाइक, ये बहुत ही लाइक 100 ग्राम आ जाता है, फ्रेग्रेंस फ्री है, सेरामाइड है इसमें, ऑल्सो हाइलुरोनिक एसिड है, बेस्ट फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इट्स सुपर अफोर्डेबल, ये आपको 395 रुपीज का 100 ml मिल जाता है, विच इज आई गेस अच्छा ही है। ऑल्सो अभी नायका पे डिस्काउंट चल रहा है तो आपको और ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। टेक्सचर वगैरह मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अच्छा मॉइस्चराइजर जब आप यूज करते हो ना उसके ऊपर इफ यू डू मेकअप ऑल्सो तो वो बहुत लंबे टाइम तक का रहता है एंड आपको नेचुरली आपका जो स्किन है वो ग्लो होता है, नेचुरली आपका स्किन थोड़ा थोड़ा करके बेटर होते रहता है। नेक्स्ट आई हैव द मोस्ट अफोर्डेबल कंसीलर, दिस वन इज फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स और आई हैव ऑलरेडी हिटेड द पैन, जस्ट लुक एट दिस, मैंने ऑलरेडी इसको खत्म कर चुकी हूँ। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल आ जाता है, ये आपको 100-150 रुपीज का कुछ मिल जाएगा, 100 रुपीज का ही है ये, अभी नायका पे सेल में आपको 80 रुपीज का भी मिल जाएगा ये। इट इज सुपर अफोर्डेबल, आई एम इन द शेड NC1 प्रो कंसील, साइड में वीडियो लगा दूंगी। ये मैं यूज करती हूँ अंडर माई आईज, जो भी डार्क सर्कल है उसको हाइड करने के लिए, तो बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, आप कुछ भी अपने स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। आई रियली लाइक द कवरेज, अभी समर्स में भी इसकी फाउंडेशन हम लोग उतना फाउंडेशन नहीं लगाते क्योंकि ऑब्वियसली इतनी गर्मी है कि मेकअप निकल ही जाएगा, बट जो भी ऐसे डार्क सर्कल्स वगैरह या फिर कोई पिगमेंटेशन अगर आपको उसको हाइड करना है देन यू कैन ट्राई दिस कंसीलर, साइड में वीडियो लगा रही हूँ। इट्स वेरी वेरी नाइस, बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है, इट प्रोवाइड्स फुल कवरेज, ठीक है। मुझे ये फुल कवरेज कंसीलर लगा है एट अ बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस, इससे सस्ता बेस्ट कंसीलर आई डोंट थिंक सो मैंने कभी ट्राई किया। देयर आर फ्यू टाइनी प्रोडक्ट जो मैंने नायका से परचेज की थी, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन बाय वन। ये सारे वायरल इंस्टाग्राम प्रोडक्ट्स है, इंस्टाग्राम पे देख के मैंने, मुझे अच्छा लगा तो मैंने परचेज की, दूसरों की बातें सुन के इन्फ्लुएंसर्स ने वगैरह बहुत ज्यादा प्रमोट किया था इसीलिए आई गॉट दिस। सबसे पहले आई गॉट दिस मस्कारा जो कि मास कॉस्मेटिक्स का आ जाता है, इसका जो लाइक एकदम पैकेजिंग इसकी बहुत ज्यादा लग्जरियस है, साइड में वीडियो लगा दूंगी, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मेरा एकदम जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, मुझे ये वेस्ट लगा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा मार्स का जो प्रॉपर जो ओल्ड मस्कारा है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। दिस वन हैव नथिंग टू गिव, ये सिर्फ आपके लैशेस को थोड़ा सा लंबा दिखाता है बट इट डजेंट प्रोवाइड एनी लेंथ और एनीथिंग। मुझे लिटरली अच्छा नहीं लगा ये, इसीलिए अगर आप ये लेने का सोच रहे हो डोंट गेट दिस। इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस मस्कारा आप ये मस्कारा ट्राई कर सकते हो, ये भी सेम प्राइस रेंज का ही आ जाता है बट दिस वन इज अगेन फ्रॉम मार्स, ये बहुत ज्यादा अच्छा है और ईबा कॉस्मेटिक्स का तो हलाल सर्टिफाइड है। अगर आप 300-400 आपका बजट है देन आई वुड रिकमेंड आप ईबा वाला ही ले लो, इट्स हलाल सर्टिफाइड और वाटर प्रूफ भी है, तो या आपकी मर्जी, बट ये वाला मत लेना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर आपकी मर्जी। आई गॉट दिस लिप ग्लॉस फ्रॉम स्विस ब्यूटी, ये टिंटेड लिप ग्लॉस आ जाता है इन द शेड 02 कैरमल, ये क्या है शेड, हाँ कैरमल क्रश शेड आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये, एकदम न्यू टोन देता है और ऐसे ना ग्लॉसी लिप्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मेट लिप्स का नहीं है अभी ट्रेंड, तो इस पैकेजिंग वगैरह तो इसकी अच्छी आ जाती है, सुपर अफोर्डेबल भी है, लगा के दिखा देती हूँ। जस्ट लुक एट दिस यू गाइस, कितना ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को ना, एकदम नेचुरल दिखने वाले ऐसे लिपस्टिक ग्लॉसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइनी बना दिया इसने मेरे लिप्स को और ये बहुत लाइक वेरी कंफर्टेबल है, ऐसा वो ग्लॉसी ग्लॉसी फील भी नहीं आता है। बाकी जो दूसरे नॉर्मल लिप ग्लॉस होता है ना उसको लगाते साथ ही ऐसा लगता है कि हर चीज़ मेरे ही मुँह पे आके चिपक रही है, लिटरली बहुत अजीब फीलिंग आती है, मुझे इरिटेट होता है, बट दिस लिप ग्लॉस इज वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे, इट गिव्स अ वेरी गुड फिनिशिंग, तो या इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई लाइक गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आप बोर नहीं हुए रहेंगे क्योंकि यार थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ आई नो, बट प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, ये वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय।